हे गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। बस खुश हो, इसको लेते चलो छोटू, ले लो बाबू खाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है अभी हम लोग का। तो मैं हूं, मनीषा है साथ में, छोटू और विशाल, ये लोग भी जा रहे हैं। तो विशाल अभी आया हुआ है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑल द वे। यहां से लगभग 400-500 किलोमीटर का सफ़र है फिलहाल, और उसके बाद से फिर आगे हम लोग को फिर ट्रैवल करना है। तो मतलब लगभग 800-900 किलोमीटर का टोटल हम लोग का जर्नी होने वाला है। तो चलो अभी निकलते हैं, और जीजू वगैरह को भी रास्ते में मिलेंगे, पंकज निशा को, उसके बाद हम लोग आएंगे। तो चलो छोटू, तुम यही कौन है आटी में? यहाँ सब लोग हम लोग निकल रहे हैं। ठीक है मम्मी, जा रहे हैं हम लोग। संतरा लेके जाएगी दुगो। चलो ले लो, ले लो, ले लो जल्दी लेके चलो। ऐसा हो गया गाड़ी का इंतजाम। संतरा ले ले, कहीं भी रास्ते में संतरा दिख जाता है, संतरा रुकवा। संतरे का कलर ड्रेस है, देख लो, मैच 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 कर रहे हैं। चलिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, लेट होगा। जल्दी आओ भाई, 5 मिनट कम है, जल्दी निकलो। 12 बजने में जल्दी जाओ। पापा मम्मी का ख्याल रखते हैं। पापा मम्मी का कितना छील छील के खिला रहे हैं। ये पहनने का प्यार कितना अच्छा है। तुम्हारे पापा छील, हम नहीं सब भाई कर पाते हैं। अच्छा लगता है, लव बर्ड। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, इतना भयंकर वो लगा हुआ है ना, मतलब समझ लो आग बरस रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ। तो अम्बाला में ओले पत्थर और बर्फ़बारी हुई है, पूरा मनाली में बर्फ़ गिरा हुआ है कल ऊपर अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के पास। लेकिन यहाँ पे पूरा एकदम वो लग रहा है, तो यहाँ से जाते ही एकदम ठंडी जगह पर जाऊँगा पहले, मेरे को बहुत घबराहट हो रही। फिलहाल चलो AC में बैठते हैं गाड़ी में, और गाड़ी से निकलते हैं यहाँ से, और सफ़र शुरू करते हैं लगभग 800-900 किलोमीटर का। तो चलिए बस बने रहो, ऐसा वाला पोस्टर हमारे वहाँ वाले घर में भी है, यहाँ भी चले। चलो चलिए गाइस, धूप का आलम देख सकते हैं, इस तरीके से मुंह को सिकुड़ा सिकुड़ा कर जाना पड़ रहा है। ये है अपना। चलो गाइस निकलते हैं, और यहाँ का देखो बिजली का तार वार कितना नीचे है, ऐसा अगर कोई हाथ जंप करके पकड़ ले तो पकड़ा जाए। ये तो ऐसे ही टच हो रहा है वाईफाई वाला, ये देखो इतना नीचे तो तार लटका हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे है, तो हद नीचे इसे, मतलब गाड़ी बड़ी वाली इधर आ जाए। गरम पता लग रहा है, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यहाँ पे छाया यहाँ पे धूप। गाड़ी मैंने रोड पे लगा दिया था, क्योंकि गली से फिर निकालने में टाइम लगता। अरे देखिए बिजली का काम चल रहा था, लाइट भी पावर कट है, बहुत सारे पेड़ों में टच हो गया ना, तो जहाँ जहाँ पेड़ों में टच हुआ है वहाँ वहाँ ये चीज़ें हो रहा है। चलो गाइस, ओ थैंक गॉड गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नहीं तो गाड़ी बहुत गर्म रहती है भाई। चलो बैठ। अरे बाप रे। निकलने के लिए अभी 12 बजे तक, अभी कर रहे हैं, अभी निकले नहीं है, अभी कर रहे हैं, 1 घंटा और लगेगा, और हम लोग को जाना बहुत दूर है, पता नहीं कैसे कैसे क्या होगा, देखो अब देखते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा, निकल तो गए, बैठ गए हैं कार में, बहुत पहले से बैठ गए, और अब निकल गए हम लोग यहाँ से बसंतपुर। हम लोग को लगा जीजू आएंगे, आप बता दिया ना इसमें, तभी वो मसरक, तो वो अभी मसरक में ही है, बोले थे 11 बजे ही आ जाएंगे, लेकिन अभी टाइम 12:48 हो रहा था, तब हम लोग को ही आगे जाना पड़ रहा है। एकदम पतला पतला सड़क है, पता है क्या पतला सड़क है, दूसरा चीज़ ये है कि दिन के टाइम ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है इस सड़क पर, क्योंकि दोनों तरफ मार्केट होता है, ट्रैफिक भी लगता है, जिसको ऐसे क्या होता है मन भी नहीं करता, और इतना ज़्यादा मतलब गर्म गर्म हवा चल रहा है ना बाहर, कि लगता है कि तबीयत ही खराब हो जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं बैक से,
इसमें पता है क्या, हमको लू जब इसमें किसी को पनिशमेंट देना है तो कुछ मत दो, खाली स्वेटर पहना के घुमा दो, जैकेट स्वेटर दो तीन को। नहीं भाई उससे तो आधी वो हो जाएगा। तो आप लोग को ये बता दें कि अभी ना जो हमारा हम लोग का नया वो खालिसपुर वाला स्कूल है, अभी मैंने केक का दुकान खोला गाइस, सचिन केक हाउस बाहर है, तो वहाँ पे ना आम भी हो रहा है, तो हम बस जब भी गर्मी का दिन जब जितना आगे बढ़ रहा उतना हमको याद आ रहा है यार, जाएंगे अब स्कूल ना तो वहाँ से तोड़ के लाएंगे, चटनी बहुत खाने का मन कर रहा है उसका। सो अभी पता है क्या, अब इतना ज़्यादा मन कर रहा ना, एकदम कच्चा सोचो आम है और उसमें धनिया क्या बोलते हैं लाल वाला मिर्चा, उसके बाद से लहसुन डाल के पीस दे, सोच सोच के ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना मज़ा आता है। चावल दर और वैसा चटनी होता है ना तो हम ऐसे भी खा लेते हैं, सब्जी तो पूछते भी नहीं है, हमको इतना पसंद है। तो बस अभी आम का सीजन आ ही गया है और अब हम लोग आम खूब खाएंगे, पिछली बार नहीं खाए थे, अब जीजू आ रहे हैं तो उनसे मिलवाएंगे। पीछे देख सकते हैं छोटू एकदम जम्हाई लेते हुए, एकदम बहुत लेट कर दिए ये, बहुत ज्यादा लेट कर दिए दोनों पति। भाई देखो भाई ट्रॉली का लिए लेके जा रहे हैं। क्या आम है बॉस? ये भाई आप इतना ट्रॉली कहाँ ले जा रहे हैं? नमस्ते मिशा दीदी। सो गाइस समझ में नहीं आ रहा है ये इतना सारा सामान, तुम किसी बैठ जाओ जीजू का बैठ जाओ, इतना सारा सामान तीन को शादी में जाना इधर से इधर है, ठीक है खुश रहो पूरा अपना पैकेज लेके जाओ। अभी प्रकाश रथ को अटैक किया क्यों भाई, जल्दी रोड पे पाद में बतिया जाएगा, फटको बंद कर दो, गेट बंद कर दो, अरे पीछे बैठेगा एक वो। और पहले पीछे बैठ जाओ, अभी बाप निशा इसमें लैपटॉप है पीछे, बाप रे बहुत ज्यादा, तुम लोग पीछे जाएगा नहीं, एक हो जाएगा, जाएगा पीछे विशाल चल जाएगा, निशा इधर आओ ना इधर आओ, अरे ये क्या है सब बता खाना, अरे उस पर बैठेगा ठीक है, चलिए पिता टीटलू गुड मॉर्निंग टीटलू शोना, हो गया सेट, तेजी पीछे भाई हटेगी तब ना उतरो, इसी बीच कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए, खो गए हैं दुनिया में। चलो ये खाना, पानी पी, ये खाना उठा लो, चलिए चलिए पानी का अभी वो नहीं है, टाइम नहीं है, अरे उनको पता नहीं कि रिकॉर्ड हो रही होगी, उनको फैन मिल गई है। तो अभी यहाँ देख सकते हैं तितली, वो मेरी टिटली आ गई है, टिटली बड़ी लग रही है, पहले टिटली बड़ी हो गई है, बड़ी लग नहीं रही है, बड़ी हो चुकी है, पिछली बार मिले थे उस थोड़ा सा बड़ी लग रही थी, नहीं बड़ी हो गई है ना, हम भी देख रहे हैं टिटली थोड़ी सी बड़ी हो गई है, समझदार भी हो गई है, इतनी छोटी थी इतू सी थी जब इसको किस भी नहीं करने देते थे ये, अभी भी हम खिला के ले लेते थे, बताते नहीं, बाप रे बताओ छोटा बच्चा को देख के कोई ऐसे अपने आप कैसे कंट्रोल, जब पहली बार हॉस्पिटल में गई थी तब क्या हुआ था, पहली बार जब हॉस्पिटल में गए थे हम लोग, हाँ जब तितली को लेके गए थे पहली बार, सबको लग रहा था तितली की मम्मी आम है, नहीं ये भी लग रहा था ना तितली की मम्मी आम है, आपके क्लासमेट तक को भी, हमारी क्लास उसके पहले ना हम क्लास नहीं जाते थे, हमारी क्लासमेट तब आगे बोल रही है ये तो प्रेग्नेंट थी बताई नहीं तू तुम्हारा बेबी हो गया, हम बोले अरे वो निशा दीदी का है मैम, तब इतना ज़्यादा क्योंकि कॉलेज नहीं जाना तो हमारे क्लासमेट भी यही सोचते हैं, बट कोई बात नहीं अब तो हमारा वो डेली का ब्लॉग भी देखते हैं फिलहाल, तो निशा दीदी आ गई है, कैसा लगा निशा दी आपको? अच्छा लगा लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा है, कार के अंदर ही ठीक है, नहीं तो गर्मी इतना ज़्यादा है, गर्मी क्या
हम इसको गर्मी नहीं बोलेंगे, ये जो गर्म हवा चल रहा है ना, गर्मी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है फेस जल जाएगा, ऐसा लग रहा है कोई एकदम मुंह पे मार रहा है गर्म हवा। ब्लोअर चला दिया है, ब्लोअर चला दिया गर्मी के दिन में एकदम ऐसे ही ना। चलते हैं, जीजू है, जीजू ज्यादा देर से लेकिन नहीं खड़ा थे यहाँ पे, बहुत ज्यादा खड़े रह गए पहला बार, आधा घंटा से ऊपर खड़े थे, 40 मिनट बस से नहीं आ रहा था। दस अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, बहुत कम समझ गए तो पार हो गए। और कल निशा दीदी जीजू का एनिवर्सरी है, हमको तो याद भी नहीं था, फिर से हमारे वही सफारी, कल वही सफारी, कल तो ऐसे भी पार्टी है, ऐसे भी पार्टी है, आपका एनिवर्सरी है तो ऐसे ही पार्टी है। वो अब जाएंगे इसी में आराम, चलिए ट्रॉली से हम, अभी साल पीछे है तो अभी निशा दीदी बता रही है कि आप लोग वीडियो नहीं डालते थे दो दिन से, बहुत सारे लोग जो है ना वो निशा दीदी पंकज जीजू को भी बोल रहे थे हाँ कि आप लोग बोलिए उनको ब्लॉग डालने के लिए कि आप लोग कैसे रिश्तेदार है, कैसे आप लोग वो है, कहते आप लोग उनको नहीं समझा रहे ब्लॉग डालने के लिए, ऐसे ऐसे आते हैं। फिर तो कुछ लोग दूसरों का नाम लेके भी बोल रहे थे, नहीं तो उन लोग से पीछे चले जाएंगे फिर, तो ऐसे है लोग तो बहुत ज़्यादा ही हम लोग फिर टेंशन में आ गए थे। फिर लास्ट सचिन भैया को कॉल किया गया एंड ये इन्होंने ये जवाब दिया कि अब से यूट्यूब पर ब्लॉग नहीं आएगी, छोड़ दिए यूट्यूब अभी स्कूल खोलने के बोलने लगे। लेकिन अब कल मम्मी बोल रही थी कि वीडियो वो करने के लिए क्या डाल दो मनीषा वीडियो कम से कम, क्योंकि मम्मी भी परेशान हुई थी, मम्मी को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे थे। हाँ, सब कोई कुछ कुछ अपना गेस करने लगता है ना, कुछ हुआ है घर में तभी वीडियो नहीं आ रहा है। सबसे खास बात की ये है, सब कोई ये सोच रहा था कि ये लोग ठीक है कि नहीं, ऐसे आ रहा था मैसेज। हाँ, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना लोगों की, एक 8 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का जो भी ब्लॉग है वो देखने का अच्छा लगता है, ऐसे ही फैन बेस बन गया। अभी मसरक में भी मिल गई थी एक हमारी भाभी की फैन बेस, तो बहुत अच्छा लगा। और अब तितली थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद दिखती है ना, तब खेल रही है। इसी के साथ इस ब्लॉग को अब करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय जीजू। इस बच्चे को तो सब जानते हैं, पार्ले जी पे की जो लड़की होती है ना, वैसी लगती है, वैसी लग रही है आजकल।